हाल ही में मुंबई में फिल्म उमराव जान का म्यूजिक बिग बी यानी अमिताभ बच्चन के हाथों लॉन्च किया गया। इस मौके पर ऐश्वर्या राय के साथ साथ फिल्म से जुड़े कई लोग मौजूद रहे। ये फिल्म उमराव जान यानी ऐश के इर्द गिर्द घूमती है। इट इज डेफिनेटली द जर्नी ऑफ अमीरन, अ पैशनेट स्टोरी विद ऑल्सो वेरी वेरी ट्रेजिक एलिमेंट। For me, the biggest challenge was delivering a performance that would satisfy my director, and that's something that I was committed to. That was what was most important to me, and I hope I've been able to bring to life the character he had envisioned, he had conceived. You have. She has. 110%. उमराव जान के किरदार की छाप रेखा ने इतनी खूबसूरती से लोगों के दिलों पर छोड़ी है कि ऐश्वर्या का कंपैरिजन उनसे होगा ही। इस फिल्म का म्यूजिक अनु मलिक ने दिया है, जिन्होंने इन गानों को खयाम की तरह गजल का टच देने की पूरी कोशिश की है। इस मोड़ पे मुझे फिल्म मिली जब दो राह पे जिंदगी जैसे कि जाकर खड़ी हो जाए, और वहाँ हमें उमराव जान मिली और उमराव जान का दर्द मैंने कोशिश की है तर्जों में उसको पेश करने को, और ऐसा डायरेक्टर मिल जाए जो आपकी मिठास को समझे। मैं समझता हूँ कि आज के माहौल में ऐसा संगीत आना भी बड़ा मुश्किल होता है। इस फिल्म में भी निर्देशक जेपी दत्ता ने औरतों के जज्बातों को बड़ी खूबसूरती से पेश किया है। My women in all my films were very strong. Whether it was Dimple in Batwara, whether it was Amrita Singh in Hathiyar, whether it was Gulami, Smita Patel and Sabrina Roy, my women have always been strong like my mother. वैसे तो खय्याम, आशा भोसले और रेखा के कॉम्बिनेशन को लोग आज भी काफी पसंद करते हैं, और इसी वजह से अनु मलिक, अलका याग्निक और ऐश्वर्या के लिए ये फिल्म एक चुनौती होगी।